राम जी बाल काल में खेल खेलते, कौन सा खेल? गेंद का, फुटबॉल का खेल। अब फुटबॉल का खेल खेलते राम जी, तो दो पार्टी चाहिए, एक विरोध में एक पक्ष में। लक्ष्मण जी से कहा तुम हमारे विरोध में खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले भाड़ में गया, खेल हो या ना हो हम आपके पक्ष में विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते, आपके पक्ष में खड़े होंगे, सामना नहीं कर सकते, पक्ष में खड़े होंगे। राम जी ने भरत जी को कहा नहीं कि तुम विपक्ष में खड़े हो जाओ, आंखों से ही इशारा समझकर भरत जी विपक्ष में खड़े हो गए। एक तरफ राम जी, एक तरफ भरत जी, राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। अब फुटबॉल का खेल शुरू हुआ, राम जी ने गेंद को फेंका, भरत जी ने गेंद पकड़ी और जोर से लात का प्रहार राम जी की तरफ गेंद पर कर दिया, फुटबॉल पर। राम जी के सामने जैसी गेंद आई तो राम जी ने गेंद के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर चरण का प्रहार नहीं किया, दोनों हाथों से फुटबॉल को उठाकर हृदय से लगा लिया। कान भरने वाले कितने खतरनाक होते हैं जरा देखना, राम जी के कान में जाकर के कान भरने वाला आदमी बोला, हे रघुनाथ, लगता है भरत जी तुमसे जीतना चाहते हैं, इसलिए तो विपक्ष में खड़े हो गए। राम जी कान भरने वाले की बात में नहीं आए, कान भरने वाले से बोले, सुना भैया, ये जो प्रश्न तुमने हमसे किया है यही भरत जी से जरा करके आओ। जब कान भरने वाला भरत जी के पास गया, भरत जी क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो? अरे देखो तो, राम जी तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, वरना तुम्हें अपने पक्ष में ले लेते, तुम्हें विपक्ष में खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा राम जी तो लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या गजब के संत हैं भरत, रोते हुए बोले, भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे इस तरफ रहें या उस तरफ रहें, खेल पूरा होना चाहिए, हमें पक्ष या विपक्ष से मतलब नहीं। ओहो, पर अब कान भरने वाला राम जी की तरफ आए, क्यों? भरत जी ने जवाब दे दिया, हाँ जवाब तो दे दिया, पर कान भरने वाले ने राम जी को फिर भरा, सरकार लगता है भरत जी तुमसे फुटबॉल में जीतना चाहे, क्यों? तब तो इतनी जोर से चरण का प्रहार किया, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब भरत जी ने इतनी जोर से फुटबॉल पर लात मारी तो आपने क्यों नहीं मारी? आप भी तो मार सकते थे, उस पार चली जाती, गोल हो जाता, आप जीत जाते। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया भरत जैसा संत जिसे ठोकर मार करके हमारे पास भेज दे, उसको फिर हम अपने पास से कहीं दुत्कार नहीं सकते, उसको कहां भगा सकते हैं। भरत जी से पूछा, क्या तुम जीतना चाहते? भरत जी बोले, भैया हमने फुटबॉल पर जोर से लात इसलिए मारी, अरे फुटबॉल तू कितनी पागल है, जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते हैं, त्याग करते, जप करते, यज्ञ करते, तब चरण मिल पाते हैं, तुम उन राम के चरणों को छोड़कर आई है, ऐसे लोगों को तो जोर से लात मार करके ही राम जी की तरफ भगा देना चाहिए। ये कान भरने वाले कान भरने आए, पर राम का और भरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए भैया कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना, पर गणेश जी से सीखना, कान बड़े हैं, कान का कच्चा नहीं, कान का सच्चा होना चाहिए। जो तुम सुनोगे वही तो बोलोगे। जो गायक होते हैं उनको एक दिक्कत होती है, क्या? जिस राग को वो ज्यादा देर तक सुन ले, फिर वही राग के गीत अपने आप निकलते, वो कितनी भी कोशिश करें बदलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जो तुम सुनोगे वही मुंह से निकलेगा, ये तय है। इसलिए भैया अगर तुम प्रभु की कथा को सुनोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा।